हमारा ये एक पौधा बार बार गिर रहा है। अब इसमें क्या है, इसका गमला ही टूट गया है और ये लोग इसको बार बार सेट करके थक गए हैं, लेकिन ये सेट हो ही नहीं रहा है। 10 बार गिर चुका। इसका गमला ही टूट गया है और इसके साथ में हमारे एक ये बॉटल बोर्स भी है, मोई मोई हो गया है। ये बच्चे टेंगे और मोई मोई एक साथ कर रहे हैं। चलो हम इस गमले को हटा देते हैं यहाँ से और रिप्लेस कर देते हैं। अरे टूटेगा तो और बदल देंगे, ऐसे कैसे टूटेगा। अरे बटरफ्लाई को मत छेड़ो, इसके नीचे तो कोई जीव जंतु नहीं है क्या? कोई सांप जैसा जीव था जो मर गया है। सही में यार, छोटे जो वुल्फ स्नेक होते हैं वो लग रहा है नीचे। वहाँ पे देखो वुल्फ स्नेक था जो मर गया, आपको दिखाता हूँ, जल्दी आओ। वहाँ पे वुल्फ स्नेक था, वुल्फ स्नेक था। ये देखो ये सांप था यहाँ पे, ये मर गया। वुल्फ स्नेक है, इसको चींटियां खा रही है अभी। मर गया, मोई मोई। वुल्फ स्नेक सबसे छोटा सांप होता है, जो जहरीला नहीं होता, बिल्कुल छोटा सा। मोई मोई, सांप मर गया, मोई। हमेशा वो नदी नाले वगैरह में मिलता रहता है। इसके अंदर अभी थोड़ा पानी फिल किया जाए। हाँ, ये कर लो पहले। हाँ करो। इस पे बड़ा पौधा है, इसको मैं स्कूल में लगा दूंगा ताकि इसके ससूत लग सके। फुटबॉल लगता है, समझ में आया? ये है पक्का इलाज। या इसके चारों तरफ बहुत ज्यादा जड़ें फैल गई है, तो इसकी न्यूट्रिशन भी काफी मिल रहा था। इसको केयर करनी पड़ेगी इसकी अभी लगा करके इसको। अब मैंने ये पौधा अलग निकाल लिया है, वो वाला स्कूल में लेके जाऊंगा मैं, और ये वाला यहीं लगा देते हैं गमले में। और ये वाला बहुत सुंदर सुशील, अच्छा। सुशील तो क्या? सुशीला मेरी मम्मी का नाम है, सुशील। अच्छा, बहुत भारी हो गया। अबे। हाँ, इसमें पानी डालो बच्चों। और पौधों की मालकिन जो इनकी संभाल नहीं करती है वो ये है, बस भगवान को खुश कर रही है नौकरियों के लिए। इसको इस लिफाफे में डाल देता हूँ मैं। ये डाल दिया है, बस शुक्र मनाओ कि मैं सुबह भूलूँ ना इसको जल्दबाजी में। थोड़ा पानी डालो देना इसमें। अरे यहाँ दो, यहाँ नहीं, यहाँ डालना बेटा पानी। वहाँ जड़ों में काम करता है बेटा, यहाँ नहीं करता काम। बस हो गया, बहुत है, इतना ही चाहिए। उसको डालो बैम्बू में। हाँ, बैम्बूज वाले पौधे ना। चलो मैं दिखाता हूँ पौधों में, चलो उधर से आओ। ये वाला खाली वाला ले जाओ। हमारे कुछ बैम्बूज के पौधे हैं जो खराब हो रहे हैं, मैं जल्दी ही उनको ना बड़े लिफाफे में डालने वाला हूँ। रुको रुको, पकड़ो इसको। हाँ तो हाँ, खीरे का पौधा है। आपने इसमें पानी डाला क्या? मैंने आपको इसमें डालने की कहा था जो ये सूख रहा है। कहाँ डाला है इसमें, मुझे दिखाओ। इसमें पानी नहीं है यार, ये सूख गया है। 28 दिन की बंदी है। और भर लाओ देना उसको, उसको और भर लाओ। हाँ, उसको गाइस पता नहीं कहाँ से सीख लिया यार आजकल के बच्चे भी ना। अभी थोड़ा सा दिखा देता हूँ गार्डन।
अनार के देखो कितने फूल लगे हुए हैं, मज़ा ही आ जाएगा, सारे अनार लग गए थे। वो आ रही है, हाँ। अरे ऐसे कौन करता है भैया। ये देखो ये पौधे जल गया थोड़ा सा, ये सर्दियों में होता है। ये स्नेक प्लांट्स है, और ये मेरा बैम्बू है जो जल रहा है। इस बैम्बू में थोड़ा पानी दो बेटा, हाँ। बस स्कूल से लाए थे, मैं पहले बता दूँ। ये स्कूल से नहीं लाए बेटा, ये आपके दीवाना अंकल से लेके आए थे अपन खेत में से। और ये वाला भी हम लोग जब प्लांटिंग लेके आए थे ना तब लेके आया था मैं। ये गोल्डन बैम्बू है और ये ग्रीन बैम्बू है। हाँ ये दादू का था खीरा, खीरे का पौधा। हाँ हाँ ये कोई पता नहीं, मुझे छोटा भाई कहता है शुगर का प्लांट है। ये नींबू है, नींबू अगर इतने सारे लग गए तो अपना तो गर्मियों में सीजन अच्छा निकल जाएगा। वाह वाह, हर वो भी नींबू पानी के साथ। ये है। चलो ओके बाय, टाटा, खाओ आटा, हर सब्सक्राइब कर, पका हुआ आटा सब्सक्राइब कर, दबा लो। बाय बाय, अभी के लिए बाय 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 बाय।